हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो स्पेशली अगर आप कॉलेज जाते हैं तो उन लोगों के लिए है, या फिर अगर आप प्रेफर करते हैं बहुत ही लाइट मेकअप करना। तो आज मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप बहुत अच्छी कवरेज पा सकते हैं यूजिंग अ बीबी क्रीम, क्योंकि बीबी क्रीम में आपको मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और आपको फाउंडेशन का कलर मिल सकता है। तो आपको फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, बीबी क्रीम्स के साथ आपको प्राइमर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। बट किस तरीके से अप्लाई करना है कि आपकी जो बीबी क्रीम है उसकी कवरेज भी अच्छी हो जाए, क्योंकि बीबी क्रीम की बहुत लाइट कवरेज होती है। और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप ये स्मूथ लुक पा सकते हैं, स्पेशली अगर आप कॉलेज जाते हैं। आई मेकअप आप अलग से कर लें, बहुत ही न्यूट्रल। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो शेयर की है सिंपल आई मेकअप पे, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और अगर आप टीनेजर हैं, आप वेडिंग के लिए बेस मेकअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप बीबी क्रीम यूज़ करके सिंपली किस तरह से आप वेडिंग के लिए लुक क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखें, स्पेशली टीनेजर्स के लिए या फिर कॉलेज गोइंग लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो इफ यू इंटरेस्टेड कि किस तरह से आपको बेस मेकअप करना है यूजिंग अ बीबी क्रीम, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं लोटस का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बीबी क्रीम में सनस्क्रीन नहीं है। आपको एक्स्ट्रा सनस्क्रीन के लिए सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना ज़रूरी है। ये जेल बेस है तो बहुत ही अच्छा है। बीबी क्रीम के लिए मैंने असेंस की बीबी क्रीम यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेबेलिन की बीबी क्रीम काफ़ी अच्छी है, आप वो ट्राई करके देखिए। मैंने जो शेड यूज़ किया है वो है मीडियम, तो परफेक्ट मैच है। आप हमेशा इस तरह से डॉट्स में अप्लाई करें और पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। अब बीबी क्रीम के साथ आपको प्राइमर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अप्लाई करना नहीं पड़ते बीबी क्रीम के साथ। और इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी ड्यूई फिनिश देगी, बहुत ज़्यादा ये वाली मैटिफाइंग नहीं है। मुझे वैसे भी मैटिफाइंग बीबी क्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्टिक हो जाती हैं स्किन पे। बहुत अच्छी से ब्लेंड हो गई थी। अब थोड़ी सी कवरेज एक्स्ट्रा करने के लिए आप हमेशा ब्रश के साथ ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप स्पंज के साथ ब्लेंड करेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है वो स्पंज सोक कर लेता है, तो आपको कवरेज इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो जब भी आप बीबी क्रीम्स यूज़ करते हैं तो कोशिश करें आप हमेशा ब्रश के साथ उसे ब्लेंड करें, तो आप कवरेज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कवरेज है। और मैंने सिर्फ एक ही लेयर अप्लाई की है, मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप होगा हाइलाइटिंग, उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का। आप लाइटली इसको अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई करेंगे। अब ये वाला स्टेप वो करेंगे जो लोग वेडिंग के लिए लुक करना चाहते हैं, बट अगर आप कॉलेज के लिए करें तो आपको ये एक्स्ट्रा लेयर अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आप अपने सेंटर ऑफ फेस पे लाइटली कंसीलर अप्लाई करें, अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें। अब आप देख सकते हैं कंसीलर का कलर थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट है, अब उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि वो बिल्कुल अलग ना लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जिस ब्रश के साथ मैंने बीबी क्रीम यूज़ की थी उसी ब्रश के साथ मैं लाइटली ब्लेंड करूँगी ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और अलग सा शेड ना लगे। तो आप देख सकते हैं एक तो कवरेज भी मिल जाएगी आपको। अब सेट करने के लिए बीबी क्रीम को कोशिश करें आप हमेशा लूज पाउडर से सेट करें, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो एक्स्ट्रा आपको लेयर बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा बट हैवी कवरेज नहीं आएगी, क्योंकि जो लूज पाउडर होता है उसका टेक्सचर बहुत लाइट होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत लाइट होते हैं, तो बहुत ही स्मूथ आपको टेक्स्चर देगा और साथ में एक्स्ट्रा लेयर आपको ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ लुक लग रहा है, बेस मेकअप बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट लग रहा है। हल्का सा ब्रॉन्जअप करने के लिए मैं कलर पॉप का ये वाला ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी स्मॉल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अपवर्ड ऐसे ब्लेंड करें ताकि लाइटली थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए, और ये वाला बेस मेकअप बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो ज़रूर ट्राई करके देखें। तो इस तरह से मैं लाइटली नोज़ के पास भी कॉन्टोर कर रही हूँ और जॉ लाइन को भी। अब ब्लश के लिए मैंने नायका का डुओ ब्लश यूज़ किया है, दोनों कलर्स को मिक्स करके और मैं अप्लाई करूँगी। और अगर आप ये वाला आई मेकअप देखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपना अपलोड किया है, आप चेक कर सकते हैं। हाइलाइटिंग के लिए मैंने मैक कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर यूज़ किया है, स्मॉल ब्रश के साथ मैं लाइटली अप्लाई करूँगी। तो बेस मेकअप इतना स्मूथ था कि जो भी मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही थी उसके ऊपर वो बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो रहे हैं। सेट करने के लिए मैं हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी
मिस्ट यूज कर सकते हैं या रोज वाटर भी आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल बेस मेकअप। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको स्मूद बेस मेकअप करना है यूजिंग अ बीबी क्रीम। तो ऐसा नहीं होता कि आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, उसी से आपको बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप सिंपल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ बीबी क्रीम। किस वे में अप्लाई करना है आपने देख लिया है। मुझे पर्सनली एसेंस की बीबी क्रीम बहुत अच्छी लगती है, मेबेलिन की भी बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई की है। शेड आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करके देखें ये वाला लुक। और अगेन अगर आपको ये वाला आई मेकअप देखना है तो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करें। और इस तरह की अगर आपको वीडियोज़ और देखनी है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।